हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फार्मेसी स्टडी। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है प्रोटीन, जो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको डीफॉर्म फर्स्ट ईयर और डीफॉर्म सेकेंड ईयर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, जो कि हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम्स में। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि मेरे चैनल पे कम से कम 70 से 80 वीडियो हो गई हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग दो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन रहता है फ्रेंड्स, वो चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा होते हैं आने। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपके 3 से 4 मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स एक हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। अगर आप कहते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, जैसे अमीनो एसिड हो गया। तो चलिए स्टार्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटीन का। तो इसमें फ्रेंड्स 3 तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फ्रेंड्स सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन में हमारे दो आते हैं, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। फ्रेंड्स, जो ये डिराइव प्रोटीन होता है वो सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन से ही बनाया जाता है, ये बना होता है डिराइव प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है फ्रेंड्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ल्यूटेरिन, प्रोलामाइन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स, हिस्टोन्स और प्रोटामाइन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, साइक्लोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स और क्रोमोप्रोटीन्स। उसके बाद में फ्रेंड्स डिराइव प्रोटीन्स, तो प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स इसमें मेटा प्रोटीन्स आता है, सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन में प्रोटीओजेस, पेप्टोज और पेप्टाइड्स आते हैं। तो ये अगर आप क्लासिफिकेशन इतना फ्रेंड्स याद कर लेते हैं और लिख के आते हैं एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप वीडियो आगे चाहते हैं दोस्तों इस पे, तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझको, तो मैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन क्या होता है ये सब इस पे अलग अलग में वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपना ही चैनल है फ्रेंड्स, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे फ्रेंड्स मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ